टाटा की सबसे ज्यादा जो शो स्टॉपर रही, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उस कार के पास हम लोग खड़े हैं, ये है टाटा सियारा। जी हाँ, 22 साल बाद कंपनी ने इसको एक बार फिर से अनवील किया है, इस पर पर्दा उठाया है। ये आप देख सकते हैं, जब हम छोटे थे तब इसका प्रोडक्शन हुआ करता था, तब 3 डोर हुआ करते थे, लेकिन अब 2000 में, अगर आप 2022 में बताऊं तो इसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको एक बार फिर लाया गया है। अब हम इसके देखिए लुक की बात करते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे जो हेडलैम्प्स हैं आपको बताएं, एकदम कर्वी मोड में है, एकदम कर्व तरीके से इसको पेश किया गया है। यहाँ पर देखिए बैजिंग, देखिए ये बैजिंग है टाटा की, जो साफ तौर पर एक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, और बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया गया है। आप उसके ग्रिल्स को देखिए नीचे, तो एकदम एक नए कॉन्फिडेंट लुक में, आई कैचिंग लुक में इसको पेश किया गया। वहीं इसकी व्हील्स की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए व्हील्स जो है वो काफी बड़े लग रहे हैं, हालांकि ये जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, अभी इस पर प्रोडक्शन शुरू होगा तो ये काफी बड़े हैं, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के ये छोटे होंगे। अब हम लोग इसको, मैं आपको और चीजें इसके बारे में बताता हूँ। देखिए आप सबसे पहले इसका इंटीरियर देखिए, अंदर से तो इसका इंटीरियर देखिए एकदम न्यू लुक में है। इसका इंटीरियर साफ तौर पर देखिए, जो ये है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो लाइट सफारी से ये मैच करती है, ये फ्यूचरिस्टिक कार है फिलहाल। ये इसको देखा जाए अंदर से तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा दिख रही है। और बैक की बात करें, अगर रियर सीट की बात करें तो रियर सीट में जो है स्पेस वो ज्यादा दिख रहा है इसमें पहले के मुकाबले, और बूट स्पेस की भी बात की जाए तो ज्यादा इसमें हम लोगों को चीजें दिख रही हैं। और खास ही अगर आप इसके स्टेयरिंग पर फोकस करें तो थोड़ा स्पोर्टी लुक्स पूरे तौर पर दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी बड़ा है, और मैं स्पीडोमीटर से अटैच किया गया है इसको, अगर आप देखें तो। इसके साथ ही अंदर के गियर बॉक्स को हम देख सकते हैं, और सीट्स की बात की जाए तो सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं। इंटीरियर यानी कि पूरी बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। आइए मैं आपको रियर बैक साइड में ले चलता हूँ गाड़ी के, तो इसका बैक साइड कैसा है हम लोग आपको बताते हैं। इसके बैक साइड की बात की जाए तो देखिए, मैं अपने साथी को कहूंगा कि एक बार यहाँ पर फोकस करें, तो इसका अगर बैक की बात की जाए तो रियर लाइट, ये देखिए टेल लाइट है, यहाँ पर टेल लाइट देखिए किस तरीके से है, टेल लाइट एकदम शार्प तरीके से इसको पेश किया गया है, एकदम शार्प है। नीचे बम्पर की बात करें तो वो भी एकदम डिफरेंट तरीके से है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो है बेसिकली एसयूवी अवतार है, इसका जो मूल डिजाइन जो है बेसिकली उसको नए तरीके से इसको पेश किया गया, और इस तरह की खबरें हैं कि 2022 में इसको लॉन्च किया जा सकता है। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत शानदार होने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।